नेक्स्ट वीक के लिए पोजिशनल स्टॉक्स देखते हैं। लास्ट वीक हमने RHI, मैग्नीसीटा एंड जिंदल वर्ल्ड ये दो स्टॉक्स देखे थे। तो इसमें हमारा जो एंट्री था नियर अबाउट 720-725 था। 750 का टारगेट हिट करके स्टॉक फिर से रिट्रेस हुआ है। अब मार्केट नेगेटिव है तो स्टॉक थोड़ा नेगेटिव हुआ है, नहीं तो इसमें 760 एंड अबो टारगेट श्योर एंड शॉर्ट पॉसिबल है। दूसरा जो स्टॉक था हमारा जिंदल वर्ल्ड, स्टॉक ने 394 से 427 का हाई लगाया है। इसमें भी 460 एंड अबो टारगेट पॉसिबल है अगर मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में थोड़ा आता है तो। नेक्स्ट वीक के हमारे दो स्टॉक के, फर्स्ट स्टॉक एपिकोटेक्स इंडिया है। आप इसमें 533, 525 में एंट्री कर सकते हो। इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 480 रहेगा। टारगेट्स जो है इसमें 545, 557 574 587 एंड अबो टारगेट इस इसमें पॉसिबल है। वीकली का अगर आप चार्ट ऑब्जर्व करें तो शायद 52 वीक हाई से स्टॉक ऑलमोस्ट 50% करेक्ट होके फिर से अभी 528 पर चल रहा है। एज पर मंथली चार्ट इसमें 575-580 तक टारगेट्स पॉसिबल है। मंथली में भी 585 पर सपोर्ट है। तो फॉर नेक्स्ट वीक आप ये एक स्टॉक स्टडी कर सकते हो। पहले चार्ट्स जरूर स्टडी करें, उसी के बाद एंट्री ले, डायरेक्टली एंट्री किसी के बोलने पर भी ना ले। सेकंड स्टॉक जाइडस वेल है। इसमें आप 1530, 1542, 1550 तक एंट्री ले सकते हो। इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 1430, 1425 और 1430, ये दोनों में से आप रख सकते हो। इसमें हमारे जो टारगेट्स है 1570, 1590, 1612 मंथली में और वीकली में 1612 पर रेजिस्टेंस है। ये अगर ब्रेक होता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1636, 1690। अगर आप मंथली का चार्ट ऑब्जर्व करें तो ये जो कोरोना पीरियड में शायद जो लो लगाया था उसी के ऊपर स्टॉक ने फिर से यहाँ पर बेस बनाया है और स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छा अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। तो आप ये दो स्टॉक नेक्स्ट वीक के लिए स्टडी कर सकते हो। कल एक पेनी स्टॉक्स का वीडियो भी एक अपलोड हो जाएगा और इस वीडियो में मैं एक बैंक निफ्टी का एक पिछले महीने का एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना। उससे आपका कुछ व्यू बैंक निफ्टी के लिए क्लियर हो जाए तो आपको हेल्प होगी। डेली वीकली एंड मंथली का चार्ट जरूर स्टडी करें कोई भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले, तो आपको इससे अच्छा हेल्प होगा और स्टॉक का स्टडी भी अच्छा होगा। एज पर इसके कैपेसिटी ट्रेड ले। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।